कि मेरा काम आ जिहड़ा वह खेतों के तो मैं कोई ये मुश्किल नहीं आती भी मैं खेतों के कल्ली किवें दौड़नी हूँ। लोग कहिंदे हुंदे आ भी एक कुड़ियां किवें खेतों का काम करनियां, पर नहीं, एक जदों आपां एक लड़ी, हाँ मैं पी एच डी कंप्लीट करनी है, मेरा ड्रीम सी एक जदों मैनूं बी एस सी दे विच जदों कोई भी पुछदा सी तुसीं इलेक्टिव सबजैक्ट की लैणा, मैं हमेशा ये कहिंदी हुंदी सी कि मैं एच डी ओ लगना, मैं हॉर्टीकल्चर इलेक्टिव सबजैक्ट लैण गई। मैं डीमोटिवेट हो गई सी एक टाइप की, पर नहीं, फिर मैं उठी, मतलब आपदा एम एस सी की, फिर मैं गुरु ग्रंथ साहिब यूनिवर्सिटी के जो एम एस सी, जिहड़ी पिंड दे विचों भी पहली लड़की आ जिन्हें पी एच डी तक की डिग्री की, यूनिवर्सिटी गई। मेरा नाम डॉक्टर अमनदीप कौर औल है, मैं हूँ बागबानी विकास अफसर गिदड़बा विच अपना जिहड़ी नौकरी आ वह कर रही हाँ। मैं तुहानूं एक कुड़ियां दे रिलेटड एक स्टोरी अपनी दसना चाहुंदी हाँ भी एक मोटिवेशनल है जो होर भी कुड़ियां नूं प्रेरणा करेगी इस खेत्र दे वल आउण दे लई। मैं आपदे परिवार दे विच असी चार सिस्टर हाँ, एक ब्रदर हाँ, तो सिर्फ मैं जिहड़ी आ जिन्हें पी एच डी कीती हुई है, तो मैं आपदे जिहड़ी पिंड दे विचों भी पहली लड़की हाँ जिन्हें पी एच डी तक की डिग्री की, यूनिवर्सिटी गई। पहलां तां मेरी जिहड़ी स्कूलिंग सी वो एक पिंड दे स्कूल तो सी, तो मेरा कोई पापा मेरे फार्मर ने, तो असी खेतीबाड़ी का मेरा कोई पहला रुझान नहीं सी भी आप बागबानी या खेतीबाड़ी वाल मैं डिग्री करनी है, मैनूं कुछ नहीं पता सी। मैं तो अपने भूआ जी को गई हुई सी, तो उस तो बाद मेरे पापा मेरे ताया जी जिहड़े वह खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सी फ्रूट साइंस डिपार्टमेंट के, तो उन्होंने पापा उन्होंने को गए, तो पापा ने उन्होंने अंकल ने कहा, वो डेट लंघ चुकी हुई सी फॉर्म भरन की, तो पापा ने उन्होंने कहा लेट फीस के नाल बेटी का भर दो। मैं भूआ जी को गई, पापा ने मैंने कॉल की भी तेरा फॉर्म भरना, तो मेरा उस टाइम यूनिवर्सिटी के फिफ्थ रैंक आया से, 850 कैंडिडेट से, पंजवा रैंक से, मैंने कोई पता नहीं सी कि मैं दूसरे दिन आके मैं चलो ज्वाइन कर लिया। डिग्री मैं बी एस सी एग्रीकल्चर पंजाब खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी लुधियाना तो डिग्री की, फिर मैं एम एस सी फ्रूट साइंस की कीती, फिर मैं पी एच डी की, तो एक पिंड के स्कूल के होने के बावजूद मैं एक जिहड़ी हायर स्टडी है वह यूनिवर्सिटी के विच कीती, तो पिंड के विच भी कोई अज तक कोई इदां दा नहीं है भी जिहड़ी कुड़ी भी इन्नी अगे गई होवे, पी एच डी तक की डिग्री की होवे, यूनिवर्सिटी के पढ़ी होवे, तो एक सरकारी नौकरी के एज आ ऑफिसर लगी होवे। मैं एक पहली कुड़ी हाँ जिहड़ी होरना कुड़ियों नूं भी शायद प्रेरणा देवा भी जिन्हें इन्नी हायर स्टडी की है, तो हायर डिग्री करके एक वधिया पोस्ट के उपर हैगी है। मैं एक फैमिली दे विच भी मेरा कोई इदा नहीं सीगा भी हाँ तुसीं भी मैं ही इस लाइन दे विच आउणा, एक फार्मिंग दे नाल होण दे कारण मैं ये डिग्री कीती, ते अज मैं होरना दे लई भी एक प्रेरणा दा स्रोत बनदी हाँ। एक मेरी डिग्री खेतीबाड़ी दी होण करके साडा उत्थे जिहड़ा सीगा उह काम इदां दा ही सी, डिग्री खेतीबाड़ी दे विच जदों करदे ना आपां बहुत सारियां जिहड़े साडे प्रैक्टिकल क्लासां फील्ड दे विच हुंदे आ, साडी क्लास दे विच भी जदों मेरा बी एस सी दे विच अपने प्रैक्टिकल ग्रुप बनदे हुंदे आ, प्रैक्टिकल ग्रुप दे विच जिहड़े 25 कैंडीडेट दा ग्रुप हुंदा उहदे विच मैं एक कल्ली लड़की हुंदी सी, 24 विच बॉयज़ हुंदे सीगे, ते मेरा जिहड़ा रहन सहन पहलां तो शुरू तो ही इदां दा बणिया होया कि मैं हमेशा कोल मिल के बॉयज़ दा ग्रुप साडा इकट्ठा ही हुंदा सीगा, तां मैनूं इन्नी ज़्यादा ऑकवर्ड नहीं आउंदी सी भी मैं खेतां दे विच कल्ली, हुण वी मेरा काम आ जिहड़ा वह खेतां दे विच आ, ते मैनूं कोई ये मुश्किल नहीं आउंदी भी मैं खेतां दे विच कल्ली किवें दौड़नी हाँ। लोग कहिंदे हुंदे आ भी एक कुड़ियां किवें खेतां दा काम करनियां, पर नहीं, एक जदों आपां एक लड़की नूं पढ़ाउने आ आपां उहदियां तीन पीढ़ियां नूं पढ़ाउने आ, ये आपां देखदे आं आपदे परिवार नूं, फिर अगों दा परिवार आ जिहड़ा उह वी अगों दी जनरेशन है जिहड़ी उह वी एक पढ़ लिख के जदों उहदा पेरेंट पढ़े लिखे होणगे तां एक पढ़ी लिखी जनरेशन नूं ये जन्म दिंदी है। पी एच डी जदों मैं एक नौकरी वाली मैं तुहानूं गल दसदी हाँ, जो पहला मैं जिहड़ा खेतीबाड़ी की डिग्री तो बाद एम एस सी विच कर रही सी तो उदों ए डी ओ का पेपर हुंदा, ए डी ओ के पेपर के मेरी सिलैक्शन सिर्फ 0.16 मार्क्स के पिछे रह गई सी, उदों मैं बहुत हुई सी भी हाँ मेरा सिलैक्शन नहीं हुई ए डी ओ के नहीं हुई, मैं डीमोटिवेट हो गई सी एक टाइप की, पर नहीं, फिर मैं उठी, मतलब आपदा एम एस सी की, फिर मैं गुरु ग्रंथ साहिब यूनिवर्सिटी के जो एम एस सी तो बाद डिग्री करके उत्थे प्रोफेसर एज अ लग गई है ना, प्रोफेसर के 5 महीने मैं उत्थे पढ़ाया, असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब की, फिर उस तो बाद मेरी पी एच डी के सिलैक्शन हो गई। पी एच डी की सिलैक्शन के दौरान ही जिहड़ियां हॉर्टीकल्चर दियां पोस्टां आई हैं, हॉर्टीकल्चर दियां पोस्टां दे विच जर्नल दियां जिहड़ियां पोस्टां सी ओह 3 पोस्टां ही सी, मेरा रैंक उन्हां दे विच 5 सीगा, फिर मतलब ये साड़ियाँ जिहड़ियां एक्स सर्विसमैन दियां पोस्टां वो 5 वेकेंट गईयां सी, इहदे पिछे भी असीं बहुत स्ट्रगल कीता, उन्हां नूं शिफ्ट करना सीगा, 1.5 साल दा लगभग मतलब टाइम पीरियड लग्या उन्हां नूं शिफ्ट करन दे विच, ते उहदे दौरान ही मेरी पी एच डी, लक देखो मेरा पी एच डी दी डिग्री कंप्लीट हो गई, मतलब जदों आपां कोई जॉब ज्वाइन करनी हुंदी आ उहदे विच हुंदा रिक्वायरमेंट भी जिहड़ी पी एच डी दी डिग्री दी तुहाडा जिहड़ा कोर्स वर्क आ उह कंप्लीट होया होना चाहीदा, ते जिहड़ा तुहाडा रिसर्च आ उह 75% तक कंप्लीट होना चाहीदा, ते 1.5 साल दे विच मैनूं
ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਪੀ ਐੱਚ ਡੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਡਰੀਮ ਸੀ ਇੱਕ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੀ ਐੱਸ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਟਿਵ ਸਬਜੈਕਟ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਐੱਚ ਡੀ ਓ ਲੱਗਣਾ, ਮੈਂ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਇਲੈਕਟਿਵ ਸਬਜੈਕਟ ਲੈਣਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਡਰੀਮ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਦੇ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ, ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੀ ਐੱਚ ਡੀ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਵਰਕ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਬੋਝ ਦੇ ਟਾਈਪ, ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਕੋਰਸ ਵਰਕ ਆਪਾਂ ਲੋਡ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਓਵਰ ਕੰਮ ਕਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਨਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਜੋਬ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਜੋਬ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ। ਜੋਬ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਛੁੱਟੀ ਮੇਰੀ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਵਿਦਆਊਟ ਪੇ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਛੁੱਟੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਤਲਬ ਉੱਧਰੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੈਸਟਰ ਮੇਰਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇੱਧਰੋਂ ਮੇਰੀ ਛੁੱਟੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਸੈਕਟਰੇਟ ਦੇ ਗੇੜੇ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੀ ਛੁੱਟੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਈ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਉੱਧਰੋਂ ਜਦੋਂ 5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਲਈ ਮੈਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੀ ਪੀ ਐੱਚ ਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੋਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕੰਮ ਥੀਸਿਸ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਜੋਬ ਜੁਆਇਨ ਕਰ। ਸਕੂਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਹੋਈਏ, ਉਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜੋਬ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੇਮ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਸਕੂਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਘਰ ਦੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘਰ ਦਾ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਰਤ ਵਰਤਾਉਣਾ ਮਿਲਣ ਮਿਲਾਉਣ 'ਤੇ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਜਾਂ ਚੰਗਾ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣੀ, ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਵਰਤ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਇੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਘਰ ਆਪਾਂ ਘਰ ਜੋਗੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਰੋਟੀ ਆ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜੋਬ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਘਰ ਰੋਟੀ ਵੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਸਾਈਡ 'ਤੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਜੋਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਆ ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖਣੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਘਰ ਰਹਿ ਕੇ ਘਰ ਦਾ ਵੱਧ ਜੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੋਰਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ਲਿਖੋ, ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ, ਉੱਚੀਆਂ ਉਡਾਰੀਆਂ ਲਓ।